रिलॅक्सेशन असा विचार करूया सर. रेल्वे रेल्वे डबल ट्रॅकिंग प्रोक्युरमेंट चालू झाले एनओसी दिले सर. फॉर यस्टरडे हिअरिंग द पीपल एनओसी दिला दिसतो सर. अरे हांवें तर माझ्या भाषणांतल्यान सांगलें, आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग माय जी एस टी टीम, एन्टायर टीम, दे हॅव स्टार्टेड एक्टिंग. हाज्याय फुडें हय पयलोच फावटी जी एस टीचो एकटाय अरेस्ट केलो आसत. हाज्याय फुडें जेंच्यांनी राज्याचो टॅक्स चुकयला पळय न्ही, तेंकां अरेस्ट जातले. तेंकां कितें करतले सर? यश तालुके बाग इन अच्छी और नई बिल्डिंग मिली है. उन्होंने एक अच्छा एनवायरमेंट काम करने की उनको अभी चालना मिलेगी. राज्य में यानी 12 लाख से लेके अभी तक 4000 करोड़ तक का कलेक्शन स्टार्ट हुआ. इट इज इनिशियल स्टेज पे जो ये जीएसटी जब स्टार्ट हुआ तो 28,000 टैक्स पेयर थे, अभी 43,000 तक गया है. मुझे लगता है राज्य में पहली बार कोई जो जीएसटी के लिए किसी का अरेस्ट होना स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी. कल एक को अरेस्ट भी हो चुका है ऑलरेडी. मुझे लगता है इस तरह से जो टैक्स ना पे कर रहे हैं उन्होंने टैक्स पे करना चाहिए. सो इससे लिए थोड़ी सी राज्य के लिए यानी अच्छी सुविधा देने के लिए टैक्स पे करना जरूरी है. सिचुएशन में कैसे हैंडल किया सर जीएसटी आपने? कोविड सिचुएशन में लास्ट टाइम वी हैव रेवेन्यू लॉस हम ड्रॉप होकर 10% तक गया था. इस बार एक्चुअली जब दो महीने के लिए 50% ड्रॉप हो जाएगा, फिर भी यानी अच्छी तरह से वी हैव मैनेज आवर फाइनेंस डिपार्टमेंट. पीपल वेर रियली अपसेट फॉर द प्रिपरेशन. सीनियर एमपी जे हियरिंग जे आसा पळय, काल दोनूय कलेक्टरांनी व्यवस्थित रित्या घेतला. तांचे रिपोर्ट्स ते हांव सबमीट करपाक जाय पळय, दे विल सबमीट द रिपोर्ट टू द कोर्ट अकॉर्डिंग टू दॅट. बट प्रिपरेशन वॉज नॉट गुड. द पीपल वेर सगळी कडेन पॅनल घातलेले, सगळी कडेन सगळ्यो सोयी आसल्यो. आनी कसले प्लॅन बीन तिका सारके दाखोवंक ना सर. मॅपर दाखोवन पोडियम दिवं ना. हांवें फॉलो केलें, हांवें तेज्या रिव्ह्यू घेतलो त्यानुसार दोनूय कलेक्टरांनी व्यवस्थित रित्या सगळें.